अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट कलेक्शन। आज आप लेकर आए हैं स्कूल डेकोरेशन से रिलेटेड एक और अमेजिंग आइडिया, जिसमें हम आपके साथ स्कूल्स वॉल्स डेकोरेशन की आइडिया शेयर करेंगे कि आप किस तरह अपने स्कूल्स की वॉल्स को खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरह इन पर डिफरेंट तरह का आर्ट प्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह अपने स्कूल्स की वॉल्स पर डिफरेंट तरह की वॉल पेंटिंग बना सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही इफेक्टिव वॉल पेंटिंग के आइडियाज़ और क्लासरूम डेकोरेशंस के आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आपने किस तरह अपने क्लासरूम को, अपने स्कूल को और खूबसूरत बनाना है, किस तरह क्लासरूम के वॉल्स पे आप डिफरेंट तरह के जो आर्ट है उसको किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह इन पर डिफरेंट तरह की जो पेंटिंग्स हैं, जो वर्ड्स हैं वो किस तरह आप लिख सकते हैं, ताकि इनसे स्टूडेंट की लर्निंग्स भी हो जाए। कोई वैल्यू वर्ड, कोई मैनर्स वर्ड, कोई क्लासरूम मैनर्स या उनकी स्टडी से रिलेटेड आप वर्ड्स लिख सकते हैं। लाइक आप स्टूडेंट्स को अगर काउंटिंग्स करना चाह रहे हैं तो क्लासरूम में कैटरपिलर की शेप में, पेरेंट्स की शेप में बनाकर आप इन्हें ये सिखा सकते हैं, और साथ साथ इनके ऊपर वॉल पेंटिंग के थ्रू आप 1 to 10 तक की काउंटिंग लिखवा सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही इफेक्टिव इंग्लिश लर्निंग से रिलेटेड भी आइडियाज आपके साथ शेयर किए हैं कि आपने किस तरह अपने क्लासरूम में स्टूडेंट्स को फोनिक अल्फ़ाबेट्स के आइडियाज़ अगर कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं तो आप किस तरह दे सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को फोनिक्स और अल्फ़ाबेट्स लेटर्स में फ़र्क समझ आए और ताकि वो इन्हें प्रनाउंस किस तरह कर सकें। इस तरह आप स्टूडेंट्स को वोवल्स का अगर कंसेप्ट देना चाह रहे हैं तो आप बैलून्स की शेप में दे सकते हैं, स्टार शेप में दे सकते हैं, फ्लावर शेप में दे सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी वे में आप ये चीज़ें अपने क्लासरूम की वॉल्स पर बना सकते हैं। आसानी से पेपर आर्ट से बनने वाले आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं कि आपने किस तरह पेपर्स की मदद से, कंप्यूटर पेपर्स की मदद से ये आइडियाज़ अपने क्लासरूम में बनाने। बहुत ही ईजी 1 to 10 की काउंटिंग, इंग्लिश के अल्फाबेट्स और वॉवल्स, डिक्टेशन वर्ड्स और क्लासरूम मैनर्स वर्ड, लर्निंग वर्ड्स आप किस तरह अपने क्लासरूम में बना सकते हैं। बहुत ही आसान डेकोरेशन के आइडियाज़ हैं कि आपने किस तरह अपने क्लासरूम में वॉल्स की वॉल को डिकोर करना है। पेपर बटरफ्लाई बना सकते हैं, जो कंप्यूटर पेपर है उसकी मदद से आप इजीली बटरफ्लाई बना सकते हैं, क्योंकि जो पेपर बटरफ्लाई होती है वो बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। कंप्यूटर पेपर और फॉर्मिंग शीट के इस्तेमाल से आप डिफरेंट तरह की आर्ट अपनी क्लासरूम में बना सकते हैं। स्टूडेंट्स को भी अच्छे लगे और तमाम पेरेंट्स जो कि स्कूल विजिट करते हैं, आप ये आइडियाज़ अपने कॉरिडोर एरिया में बना सकते हैं। फ्लावर हैंगिंग, पेपर फ्लावर्स के आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं, किस तरह आप कंप्यूटर पेपर को यूज़ करते हुए आप उनके फ्लावर्स बना सकते हैं। साथ में हैंगिंग के लिए आप डिफरेंट तरह की चीज़ें और सिंपल जो कि होते हैं थ्रेड, आप वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपको इस तरह के आइडियाज़ पसंद आए होंगे कि आप किस तरह अपने स्कूल्स की वॉल्स को, क्लासरूम की वॉल्स को डिकोर कर सकते हैं, उन पे डिफरेंट तरह का आर्ट प्रेजेंट कर सकते हैं, इन वॉल्स को और खूबसूरत बना सकते हैं। इसके साथ साथ आपके डोर्स, क्लासरूम डोर्स, बुलेटिन बोर्ड, नोटिस बोर्ड और आपका क्लासरूम बोर्ड जो है आपने उन्हें भी किस तरह डिकोर करना है, उनके आसपास किस तरह की बाउंड्रीज अगर आप डिकोर करना चाह रहे हैं तो उसके भी आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए गए हैं कि आपने किस तरह उन्हें खूबसूरत बनाना है, किस तरह अपने क्लासरूम यूनिटी को शो करने के लिए अगर कोई चार्ट बनाना चाह रहे हैं तो वो किस तरह का होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको इस तरह के आइडियाज़ पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।